बालू रेत के अवैध खनन का विरोध करना दो व्यक्तियों को भारी पड़ गया। आरोपियों ने इन व्यक्तियों पर गोली चला दी जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना छतरपुर के गर्रा पूर्वा की है। आरोपियों की फायरिंग से घायल लाल सिंह यादव ने बताया कि हम लोग खेत में बुआई करने जा रहे थे, तभी रास्ते में महेंद्र सिंह और उनके साथी बालू रेत का अवैध खनन कर रहे थे। हमने उनका विरोध किया तो उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर ही अवैध हथियारों से फायरिंग चालू कर दी। इसमें मैं और मेरा साथी धीरेन्द्र सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खेत से आए हैं जिनको गोली लगने का बताया गया है। एक को दाहिने साइड के पैर में और एक को कान के पास में चोट बताई गई है। अभी उनका इलाज चालू कर दिया गया है। अभी मरीज दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। अपना भी हम खेत पर जा रहे थे देखने के लिए, बोलने के लिए, तो उनका बाल भी खनन चल रहा था, तो हम लोगों ने अपना जोतने के लिए खेत में सब विस्तार कर रहे थे, हमने मना किया उनको। हम लोग बेजन सब लोग थे तो वहाँ पर सीधी गोली चलाई, बहुत फायर हुई है वहाँ, तो इतना फायर हुई कि हमको जेब भी नहीं पता लग रहा है कि हम लोग मर जाते, बदते भी नहीं। घटना इस तरह की है कि हम लोग अपनी ज़मीन पर गर्रा पुरवा में गए थे, बुवाई करनी थी हमको, तो वहाँ पे अवैध रूप से खदान चला रहे हैं। सभी लोग बंदूकें लेकर आए तो हम लोगों को फायरिंग कर दी। फिलहाल गोली दो लोगों को लगी है, दो तीन लोग हम लोग बच गए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।